माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक रुबेश क्लासेस। सो दोस्तों, आज फिर हम लोग नंदिनी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए नंदिनी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, जैसे कि क्लास 10 नंदिनी वीवीआई क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है दोस्तों पैटर्न में। उसके बाद चलिए दोस्तों, क्वेश्चन का सबसे पहले पढ़ के सुनाते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर क्वेश्चन आप लोगों को फिर समझाते हैं। जब क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप लोगों को आंसर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में कि हामिद मिठाइयां खिलौने के बदले में चिमटा क्यों खरीदता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले एक बात बता दूं दोस्तों कि आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, फिर मैं आप लोगों को सीरियली बाय सीरियली क्वेश्चन बता चलूंगा दोस्तों। सो दोस्तों, क्या है एक नंबर क्वेश्चन है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा क्यों खरीदता है। दोस्तों, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोला कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा क्यों खरीदता है, और अक्सर ये प्रश्न पूछते रहता है दोस्तों। तो हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा इसलिए खरीदता है क्योंकि जब हामिद की दादी अमीना, हामिद की दादी कौन, अमीना, जब रोटी सेकती है तवे में तब उसकी हाथ जल जाती थी, इसलिए हामिद एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा वो क्या करता है, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। या फिर दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा सकता है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटे का चयन करता है क्यों। तो दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन समझते हुए आंसर लिख के चले आ रहा है दोस्तों, इसमें आप लोगों को 2 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स दोस्तों। उसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, खुशबू रचते हैं हाथ, क्या दोस्तों, खुशबू रचने वाले हाथ, खुशबू रचने वाले किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये हमारे किताब में, ये जो पाठ नंबर कितना है दोस्तों, ये जो खुशबू रचते हैं हाथ वाला पाठ, जिसके रचनाकार, जिसके राइटर अरुण कमल है दोस्तों, उसी से लिया गया है। क्या बोल रहा है दोस्तों कि खुशबू रचने वाले किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, खुशबू रखते हैं हाथ, खुशबू रखते हैं हाथ, आप लोगों ने तो पढ़ाई है दोस्तों, वो कविता अगर नहीं पढ़ा दोस्तों फिर भी याद दिला दोस्तों, ये जो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं खुशबू रखने वाले हाथ, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अगर ये लोग अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। क्या बनाने का? अगरबत्ती बनाने का। अगरबत्ती बनाने के काम में इन लोगों का क्या, खुशबू रचने वाले हाथ किन परिस्थितियों, खुशबू रचने वाले किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, इसका इससे क्या संबंध है दोस्तों। जब अगरबत्ती की खुशबू कितनी होती है दोस्तों, आप लोगों ने जरूर महसूस किया है दोस्तों कि अगरबत्ती की खुशबू को, उसी प्रकार से क्या बोल रहा है कि खुशबू रचने वाले किन परिस्थितियों में रह रहे हैं दोस्तों, वो लोग खुद क्या दोस्तों कि वो लोग खुद क्या बोलते हैं उसको, कचरे के इसमें रह के, कचरे के घरों में रह के वो लोग खुद क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, हम लोग के लिए अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं खुशबूदार। तो दोस्तों, बस यही बोल रहा है कि खुशबू रचने वाले किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है कि खुशबू रचने वाले खुद, खुशबू रचने वाले खुद मतलब क्या बोलता है उसको, गंदे गंदे घरों में रह के अपने नाखूनों को, अपने क्या बोलता है, गंदे गंदे नाखूनों को लेकर वो क्या करते हैं कि अगरबत्ती, हम लोगों के लिए अगरबत्ती बनाने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है दोस्तों, कर्मवीर की पहचान क्या है, क्या कह रहा है दोस्तों कि कर्मवीर की पहचान क्या है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसको याद रखना कि कर्मवीर की पहचान दोस्तों, मैं पिछले वीडियो बता चुका हूं दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया दोस्तों, आप लोग वहां से देख सकते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है कि कर्मवीर की पहचान क्या है, ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं। कर्मवीर की पहचान, देखिए दोस्तों, कर्मवीर वे है, क्या है दोस्तों कि कर्मवीर वो है जो अपने काम को जब एक बार पकड़ ले तो उसको अधूरा नहीं छोड़ते, वो काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं, तब उसका दम लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, 4 नंबर में बोल रहा है कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा जाता है, किसे और क्यों कहा जाता है दोस्तों। ईर्ष्या तुम ना गई मेरी मन से पार्ट से चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है, और ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया दोस्तों, कब 2020 में, और ये क्वेश्चन अक्सर आते रहता है दोस्तों कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा जाता है। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा जाता है, किसे दोस्तों, निंदा को कहा जाता है, और निंदा दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि निंदा को क्यों, और ईर्ष्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईर्ष्या का मतलब जलन होता है दोस्तों, तो निंदा को क्यों कहा जाता है, ईर्ष्या की बेटी निंदा को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ईर्ष्या और निंदा का क्या दोस्तों कि ईर्ष्या और निंदा का आपस में क्या बोलता है, वो एक ई वाले रिश्ता है दोस्तों, ठीक है, बाप बेटे वाला रिश्ता है, इसीलिए ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और किसे क्यों कहा जाता है, तो ईर्ष्या और निंदा के बीच में गहरे रिश्ता होने के कारण ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा जाता है। उसके बाद 5वां प्रश्न में आ रहा दोस्तों, क्या आ रहा है कि शिक्षण को पान का बीड़ा किसने दिया, क्या दोस्तों कि शिक्षण को पान का बीड़ा किसने दिया दोस्तों, ये जो लिया गया क्वेश्चन लिया गया है, क्या बोलता है दोस्तों उसको, कौन सा पार्ट से, कौन सा चैप्टर, ये बोल रहा है शिक्षण 6 चैप्टर से लिया गया दोस्तों, ये
पांचवा नंबर क्वेश्चन थेस चैप्टर से लिया गया था, थेस पार्ट से लिया गया है। क्या बोला कि शिक्षण को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो दोस्तों शिक्षण को पान का बीड़ा मानु दीदी ने दिया था। अगर पूछ लो क्वेश्चन में क्यों दिया था, क्योंकि मानु दीदी की काम कर रही थी इसलिए वो पान का बीड़ा शिक्षण को दिया था। ठीक है दोस्तों, अब कोई भी काम किसी के यहाँ कोई मजदूर काम करने आया तो दोस्तों उस मजदूर के तो ख्याल रखते ही है दोस्तों, जो कुछ अपने खाते उसको तो खाने के लिए हम लोग भी देते। उसके बाद छह नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों कि गांव के किसान शिक्षण को क्या समझते थे? क्या है दोस्तों, गांव के किसान शिक्षण को क्या समझते हैं? सो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है फेस चैप्टर से लिया गया है दोस्तों। गांव के किसान जो थे ना, गांव के किसान शिक्षण को बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। सो दोस्तों आप लोग शायद सोच रहे क्यों समझते थे? दोस्तों ये जो है ना, देखो हरेक आदमी का हरेक व्यक्ति का एक टाइम आता है दोस्तों कि अभी हम लोग जवानी में, जवानी से जब बुढ़ापा में चले जाएंगे तो उस समय हम लोग कोई काम नहीं कर सकते दोस्तों, हम लोग व्यर्थ का व्यर्थ ही रह जाएंगे। सो दोस्तों जब हम लोग व्यर्थ रह जाते हैं तो इसी प्रकार से ये शिक्षण जो थे, शिक्षण अपने वक्त में अपने जवानी में अपने क्या बोलता है इसमें जब वो ईद है दोस्तों, तो उस समय जो है ना पूरा एकदम अपना परफॉर्मेंस में रहता था दोस्तों, अपना कारीगरी में रहता था। जब ये बूढ़े हो गए तो गांव के किसान जो थे ना इसको बेकार ही नहीं बेकार समझते थे। सो दोस्तों अगर आप लोग नए हैं हम लोगों के चैनल में, हमारे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग कल दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।